अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिजवान सेल्फ़ी चैनल में आप सब मुसलमान भाइयों और बहनों को खुशामदीद। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज की लेटेस्ट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम तोपूपाल है, मैं मेघालय से आया हूँ। मेरा सवाल है, हम लोग श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उन शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने शंखचूर के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान माने? भाई साहब का सवाल है कि हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, अगर उसने बलात्कार किया है तो बलात्कारी को भगवान क्यों माने? भाई साहब, जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू धार्मिक किताब पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, महाभारत पढ़ चुका हूँ, रामायण पढ़ चुका हूँ, और मैं जब पब्लिक में प्रचार करता हूँ तो मैं ऐसा प्रचार करता हूँ, अच्छी बातें कहता हूँ, पढ़ता हूँ सब कुछ, यकसानियत की बात करता हूँ और कहता हूँ, इख्तिलाफ की नहीं करता हूँ। आपने जो सवाल पूछे ये क्यों मानते, मैं आपसे पूछूंगा आप क्यों मानते? बिल्कुल गलत बात कहते, नहीं मानना चाहिए तो आप मत मानो। तो मैं समझता हूँ कि अगर श्री कृष्ण सही में भगवान के अवतार है, अगर सही में पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर बलात्कार नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, मैं एग्री करता हूँ इनकी बात पर। मैं जानता हूँ, मैं आपका जवाब देता हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ ना, मिसाल देता हूँ मैं। लूत अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर है, ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण अल्लाह के पैगंबर है कुरान में नहीं लिखा, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस धरती पे 124,000 पैगंबर भेजे, नाम से 25 है, उन 25 में से एक का नाम लूत अलैहिस्सलाम है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, बाइबल में लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने जिना किया अपनी बेटियों के साथ, जो आपके शास्त्र में लिखा है उससे बड़ा गुनाह लिखा है बाइबल में, तो मैं क्या कहता हूँ, वो बाइबल में गलत लिखा है। बिल्कुल सही बात है। लूत अलैहिस्सलाम पे मैं इल्जाम लगा ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है, समझिए ना। तो मैं कहता हूँ कि वो चीज जो बाइबल में है वो मिलावट है, अल्लाह के पैगंबर कभी भी अपनी बेटियों के साथ जिना नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूँ लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, लेकिन वो चीज गलत है। जहां तक कि श्री कृष्ण का सवाल है, श्री कृष्ण का नाम कहीं भी कुरान में नहीं आया है, कहीं भी हदीस में नहीं आया है, लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया में 124,000 पैगंबर आ चुके। तो कोई मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण पैगंबर हो सकते, तो मैं कहता हूँ मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कृष्ण अलैहिस्सलाम, ये नहीं कह सकता, बिल्कुल, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ, बराबर ना। लेकिन अगर है भी तो जितने पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ उन लोगों के लिए थे और उस वक्त के लिए थे। आज तुम्हें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसीलिए इस शास्त्र के बारे में मैं जानता हूँ, श्री कृष्ण के बारे में मैं, राधा के बारे में भी जानता हूँ, श्री कृष्ण की कितनी बीवियाँ थी भी जानता हूँ, श्री कृष्ण की 8 बीवियाँ थी, बाद में जंग के मैदान में 16,100 बीवियों से शादी किया, कुल मिला के उनके पास थे 16,108 बीवियाँ, कितनी 16,108 बीवियाँ, 16,108, और उन 16,108 में से राधा उनकी बीवी नहीं थी, और आपने जो कहा वो भी सही है। अभी मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता हूँ, लोग कहेंगे आखिर तनकीद कर रहा है, तो इसीलिए मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूँ कि ये भगवान की तरफ से हो सकता है। बिल्कुल, आप समझते ना, ये बात हम भी नहीं मानते, बिल्कुल। खुदा के अवतार है यानी पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं कर सकता है, आप समझे ना। तो इसीलिए ये चीज में मैं नहीं मानता हूँ, आप मानते ऐसा कर सकते हैं श्री कृष्ण? किताब में लिखा है तो लिखा है तो लेकिन आप बिल्कुल सही, बराबर, मैं भी नहीं मानता, मैं भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि कोई भी भगवान के पैगंबर, या अगर पैगंबर जो अच्छे इंसान
बिल्कुल पैगंबर को दूर की बात है, कोई भी अच्छा इंसान बलात्कार कर ही नहीं सकता, पैगंबर तो दूर की बात, अब समझे ना, कोई भी अच्छा धार्मिक इंसान बलात्कार नहीं कर सकता है, तो सवाल उठता ही नहीं। इसीलिए मैं लोगों के सामने ये सब पेश नहीं करता हूँ, नहीं तो लोग बोलेंगे ये झगड़े लड़ा। सही बात है, ऐसी चीजें बयान करने की नहीं होती। मैं झगड़े लड़ाना नहीं चाहता हूँ, कुरान में नहीं लिखे क्या जो चीज यकसा नहीं है वो पेश करके लोग को लेके आओ, कुरान में लिखे जो यकसा है उसके बारे में बात करो, लोगों को करीब लेके आओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मानते खुदा एक है? पहले आप थोड़ा बोलने दो, बोलिए। तो ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा गया है? कुरान में तो टॉप क्लास है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है, क्लियर एकदम फर्स्ट क्लास है। क्यों लिखा बोलता हूँ मैं, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वक्त के दौरान ये जितने किताबें कुरान के पहले आई वो महदूद थी, एक वक्त के लिए, एक लोगों के लिए। वक्त के दौरान बदलते गए और एडिशन आते गए। जैसा मैंने पहले कहा कि महाभारत असल में, जब आप पूछेंगे पंडितों से, महाभारत सबसे पहली बार अर्जुन के ग्रैंडसन ने कहा था। महाभारत उस टाइम 8000 श्लोक थे, उसने दोस्तों से कहा, बच्चों ने, बाप ने बेटे से कहा, फिर वो बाप ने बेटे से कहा, अपने बेटे से कहा, कहने कहने से हो गया 24000 श्लोक। अभी 8000 से 24000, 16000 तो कोई ना कोई लिखाएगा ना, खुदा ने थोड़ी लिखी, वो तो इंसान ने लिखे। आज के तारीख में 1,00,000 श्लोक है, तो ये सब मिलावट है ना, तो ऐसे मिलावट आते गई। इसीलिए मैंने जब पूछा कि अगर एक ग्लास पानी है, साफ पानी है, एक कतरा गटर का पानी आपके सामने डालूंगा, आपके सामने डालूंगा, गंदा पानी, काला पानी, एक बूंद उसे मिलाऊंगा तो नजर नहीं आएगा, आप वो पानी पियेंगे? क्यों? मिलावट है। बिल्कुल सही बात है, किसने मिलाया आपको नहीं पता तो शायद पी लेंगे, बराबर ना। तो जब पता चल गया कि मिलावट है बाकी शास्त्रों में, तो साफ और सुथरे शास्त्रों की तरफ आओ ना, इसमें एक भी मिलावट नहीं है। चैलेंज है कुरान में, कुरान का चैलेंज है। इसीलिए जो लोग तनकीद करने की कोशिश करते हैं, एक फेमस आदमी है विलियम मोर, जो बहुत तनकीद करता है इस्लाम का, तो ये विलियम मोर ने जो सबसे ज्यादा कट्टर खिलाफ था इस्लाम के 200 साल पहले लिखा कि वाहिद मजहबी किताब जो 100% अभी तक के हूबहू वही है, जरा भी मिलावट नहीं है, वो था ईसाई, उसने कहा वो कुरान है। तो तनकीद करने वाला ऐसा लिख रहा है कि 100% वाहिद किताब जो 100% अभी तक सही है वो कुरान है। तो इसीलिए अगर आपको पता चला कि बाकी किताबों में मिलावट है, अब सही किताब की तरफ आ जाओ, कुरान की तरफ। हमको मालूम है लेकिन लोगों को नहीं मालूम है। तो लोगों को छोड़ो, आप क्यों नहीं पहले मान लेते? बिल्कुल, आपको मालूम, आपने अमल कर रहे, तो बाकी लोग क्यों अमल कर रहे हैं भाई? लोग तो खराब नहीं देखता है, सिर्फ बोलता है अच्छा है अच्छा है, लेकिन लिखा तो हम शास्त्र क्यों माने वो? तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्यों मान रहे फिर? सिर्फ उसी तरह और छोटा क्वेश्चन है, दो मेरा क्वेश्चन है। पूछे पूछे। कल लेके आया लेकिन मौका नहीं मिला। ठीक है, अभी मौका मिलेगा। बोले पूछे। शिव को हम लोग भगवान मानते हैं, जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ उनमें लिखा है शिव ने भिक्षा मांगकर अपने पेट पाला और नशे वाला चीज खाता था, तो एक भिखारी और नशे वाले को क्यों हम लोग भगवान माने? भाई साहब, मेरा जवाब वही है, मैं आपके शास्त्र पढ़ चुका हूँ, ये सब मैं तकरीर में बयान नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ दूसरी किताब के बारे में तनकीद करूँ। मैं मानता हूँ जो आप बोलते बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन मैं ये सब बात करूँ तो दंगे फसाद हो जाएंगे ना। मैं अमन वाला आदमी हूँ ना, कुरान में भी नहीं लिखे गए लोगों की तनकीद करो। कुरान में लिखे सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 के वो लोग जो दूसरे भगवान को पूछते हैं, गलत भगवान को पूछते हैं अल्लाह के अलावा, उनको गाली मत दो। बिल्कुल। बाकी लोग जो सही भगवान के अलावा दूसरे भगवान को पूछते हैं उनको गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो अल्लाह को गाली अल्लाह को गाली देंगे। कुरान में लिखा है कि जो बाकी लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और ईश्वर को पूछते हैं उनको गाली मत दो, वरना जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे। इसीलिए जो आप बोलते हैं बिल्कुल सही है, मैं कहाँ कहता हूँ गलत है? इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि सब चीज अगर गलत है तो आप सही रास्ते पे क्यों नहीं आते? आ गया, हम दो भाई एक साथ में, माशाल्लाह, दो भाई। अच्छा।
माशाल्लाह भाई, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम सुब्रत पाल है। और आपका नाम? टोपूपाल। टोपूपाल, माशाल्लाह दो पाल इधर आ गए, माशाल्लाह। आप दोनों मानते कि खुदा एक है? जी हाँ। आप दोनों मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? जी हाँ। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ। आप मानते? आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी जबरदस्ती? नहीं। कोई भी दबाव है? नहीं। आप अपनी मर्जी से करना चाहते? यस सर। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। इंशाल्लाह तो मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए, अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह वा अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूं के अल्लाह के इलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए, आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे दुनिया में आखिरत में, और आपको जन्नत नसीब फरमाए, और आपके जरिए और लोगों के दिल के ताले खोले इंशाल्लाह। सर एक बार आपके गले लगना चाहता हूँ और एक कुरान मुझे दे दिए। अगर ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खजां ला इलाहा इल्लल्लाह, बहार हो के खजां ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको पसंद आई है या ना पसंद आई है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें और बताएं आप कि इस भाई ने जो सवाल पूछा है इसके मुतालिक आपकी क्या सोच है। देखिए मेरी तो ये सोच है कि श्री कृष्णा ऐसा कभी नहीं कर सकते। कोई भी अच्छा इंसान, कोई भी धर्म का कितना महान इंसान हो, वो ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता है। ये किताब में गलत लिखा हो सकता है, बाकी कोई भी भगवान, कोई भी धर्म का ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, ये मेरा मानना है। तो आपकी क्या राय है इससे मुतालिक, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखें। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।